नमस्कार, आप देख रहे हैं नवसरा हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में मैं रूही सौंप करती हूँ आपका प्रत्यागर प्रत्या खबरों की ओर। फोर लैंड प्रभावितों ने शुक्रवार को भू अर्जन अधिकारी को लोक के कार्यालय का घेराव कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रभावितों ने पुलों में इकट्ठा होकर सरकार व NHAI के खिलाफ नारेबाजी की। नागकला से मनाली तक के किसान बागवान सरकार व NHAI के रवैये को लेकर नाराज चल रहे हैं। नागसला मनाली फोरलैंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष खुशहाल ठाकुर ने कहा कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गलत तरीके से किए गए अवार्ड 10 दिन के अंदर वापस लेकर पुनर्विचार नहीं करती तो किसान बागवान को अर्जन अधिकारी के पुलों कार्यालय पर ताला जड़ देंगे। इसकी पूरी जानकारी NHAI व प्रदेश सरकार की होगी। मंडी में फोर लेन प्रभावितों ने विभाग की मनमर्जी के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए रोष रैली निकाली। फोर लेन संघर्ष समिति के बैनर तले हाथों में काले झंडे लिए प्रभावितों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए फोर लेन भू अर्जन अधिकारी पंडोह ऑफिस का घेराव किया। प्रभावितों ने चेतावनी दी है कि वो शिवरात्रि महोत्सव के दौरान आखिरी बार CM से मिलेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार का रवैया नकारात्मक रहा तो इसका खामियाजा चुनावों में भुगतने को मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय अभी मंडी में शिवरात्रि के दौरान आएंगे, हम एक बार उनसे गुहार लगाएंगे और ये बात तय है कि जमीन पर जो है निजी भूमि में हम इनको किसी भी हालात में नहीं आने देंगे। प्रभावितों ने करीब 3 घंटे तक पंडोह ऑफिस में डेरा डाले रखा और इस दौरान प्रभावितों के पूछे गए सवालों का भू अर्जन अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इतना मैं जरूर कहूंगा कि सरकार की जो भी डायरेक्शन आपकी रिहैबिलिटेशन के बारे में होगी या कुछ होगा, ये अवार्ड ऐसे नहीं है कि ये इनको कुछ नहीं हम कर सकते, इसके सप्लीमेंट्री अवार्ड भी बन जाते हैं, बाकी चीजें भी बन जाती हैं। आपको बता दें कि नागचला मनाली फोर लेन का कार्य शुरू होने की कगार पर है। विभाग ने यहां काम को अवार्ड तक कर दिया है। प्रभावितों में रोष है कि उन्हें बिना बताए गुपचुप तरीके से सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जबकि वो बीते 2 वर्षों से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभावित कानून के तहत मुआवजा मांग रहे हैं लेकिन सरकार उन्हें इससे वंचित रख रही है। ग्राम पंचायत गंगोट में चल रही BJP की राज्य स्तर की 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर पहुंचे पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जो घोषणाएं की थी उनका धरती पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री कांगड़ा में आकर बोलते हैं, शिमला में जाकर मुंह पर जाते हैं कि मैंने तो मजाक किया था। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री कांगड़ा को अपनी चालाकी से सिर्फ बांटने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मशाला का विकास भाजपा की देन है। मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या मंत्री के घर के पास हेलीपैड बना देना और उसका उद्घाटन करना विकास का पैमाना है? धर्मशाला में मंत्री के घर के आसपास की सड़कों को चकाचक बनाया गया है, सिर्फ मंत्री का विकास हो रहा है और गरीब के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। ग्राम पंचायत गंगोट में चल रही BJP की राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर पहुंचे पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है और अगले दिन मुकर जाती है। उन्होंने कहा कि अगर धर्मशाला के लिए किसी ने सोचा है तो वो है BJP। वहां पर 2 बार सत्ता में आए, दोनों बार एक एक मिनी सचिवालय धर्मशाला में बनाया है, दोनों का जाके देख लेना। फाउंडेशन स्टोन भी BJP ने रखा और उद्घाटन भी हमने किया। इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम हमने बनाया, सिंथेटिक ट्रैक हमने बनाया, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हमने बनाया, अनेकों कार्यालयों के भवनों का निर्माण हमने किया, स्पोर्ट सिटी का दर्जा हमने दिया। धूमल ने कहा कि जब भी BJP सत्ता में आई धर्मशाला का विकास किया। धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ प्रदेश को गुमराह करने और जनता को धोखा देने वाली सरकार है, जिसने प्रत्येक वर्ग के साथ धोखा किया, जिसका एक उदाहरण धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित करना, फिर शिमला पहुँचते ही उससे मुकर जाना है। उपमंडल सुंदरनगर के हैडर में कल सुबह एक निजी स्कूल बस के खाई में गिरने से 33 विद्यार्थियों सहित एक चालक व एक शिक्षिका भी घायल हो गए। यह हादसा एक निजी बस को ओवरटेक करते समय हुआ। हादसे में घायल हुए बच्चों को जैसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया तो सुविधाओं की जैसे पोल ही खुल गई। 33 घायल बच्चों को सबसे पहले हैडर PHC में लाया गया तो वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर था। ऐसे में लोगों का गुस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर फूट पड़ा। वहीं 2 बच्चों का इलाज बिलासपुर अस्पताल में किया जा रहा है। प्रशासन ने घायलों को फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपए की राशि जारी कर दी है। डेहर स्कूल बस हादसे में घायल हुए बच्चों को जैसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल भी खुल गई।
33 घायल बच्चों को सबसे पहले हेडर पीएचसी में लाया गया तो वहां सिर्फ एक डॉक्टर था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्टाफ मौके पे क्यों मौजूद नहीं था, क्या कारण रहा इसका? ये आज की बात नहीं है कि आज नहीं है, वहाँ पर स्टाफ होता ही नहीं है। एक डॉक्टर जाते हैं अपने टाइम के, जाते हैं टाइम के अपने आते हैं, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर। और कुछ वहाँ की पॉलिटिक्स ही ऐसी है जो डॉक्टर को नहीं टिकने देते हैं। वहीं इस मामले पर नेताओं ने एक दूसरे पर तंज कसने शुरू कर दिए। डहर पीएचसी जहाँ हमारे डॉक्टर एक तैनात है और दो तीन नर्सिस है, जहाँ 30-40 के बीच में इंजरी हुई है। डहर में जो आज एक्सीडेंट हुआ है, निश्चित तौर पर ये बड़ा खेद का विषय है और चिंता का विषय भी है। मैंने डहर में जो चिकित्सा की बदहाली है उसके बारे में इससे पहले भी हमने वहाँ पर एक दिन धरना रखा था और उसके बाद एक डॉक्टर आया था, 5 डॉक्टर होने चाहिए। आज दुर्भाग्य है जो यहाँ से चुना हुआ प्रतिनिधि है वो इतना ना अहल है, निकम्मा है, नलायक है कि वो वहाँ पर जहाँ 5 डॉक्टर हैं वहाँ पर एक डॉक्टर भी भेजने में असमर्थ है। गुस्साए लोगों ने धमकी दी है कि वो जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रास्ता रोकेंगे और धरना भी देंगे। हिमाचल के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के छात्र दीप प्रकाश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोस्तों को नदी किनारे की ओर अपनी सेल्फी भेजकर यह छात्र वापस हॉस्टल नहीं आया। उसके उलह नदी में डूबने से मौत हो गई। वह वाराणसी का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार छात्र परिसर के पराशर B1 हॉस्टल में अपने दोस्त सहपाठी के साथ रहता था। जानकारी के मुताबिक वीरवार को वह कैंपस के बाहर घूमने के लिए निकला था। दीप ने फेसबुक पर इस बात का अपडेट भी डाला था कि वह कॉलेज कैंपस के पास नदी किनारे घूमने निकला है। शाम को दीप प्रकाश के वापस न आने पर उसकी तलाश शुरू की गई और पुलिस को भी सूचित किया गया। इस दौरान दीप प्रकाश सिंह का शव उलह घाट में मिला। IIT कमांद में बीटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र का शव उहल खड्ड में बरामद हुआ है। मृतक छात्र दीप प्रकाश सिंह गुरुवार को कैंपस के पास नदी किनारे घूमने निकला था। जब देर शाम तक वो वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई और पुलिस को भी सूचित किया गया। IIT कमांद में एक बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र जो वाराणसी का रहने वाला है, दीप प्रकाश सिंह इसका नाम है, उसका उहल खड्ड में डूबकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक छात्र दीप प्रकाश सिंह वाराणसी का रहने वाला था और IIT कमांद में बीटेक के प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। दीप प्रकाश ने कैंपस के पास नदी किनारे घूमने जाने का स्टेटस भी फेसबुक पर अपडेट किया था जिससे उसकी तलाश में मदद मिली। नैना देवी मंदिर न्यास की बजट बैठक का आयोजन मंदिर न्यास अधिकारी कार्यालय में सदर के उपमंडलाधिकारी डॉक्टर हरीश गज्जू की अध्यक्षता में हुआ। मंदिर अधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर हरीश गज्जू ने बताया कि वर्ष 2017-18 में मंदिर न्यास का अनुमानित बजट 23 करोड़ रखा गया है। 23 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस समय हरीश गज्जू ने बताया कि यह बजट श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए खर्च किया जाएगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर न्यास का वार्षिक बजट करीब 23 करोड़ रुपए का सर्वसम्मति से पारित किया गया है। बजट पेश करते हुए मंदिर न्यास के अध्यक्ष हरीश गज्जू ने बताया कि बजट की इस राशि को वर्ष 2017-18 में मंदिर न्यास श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खर्च किया जाएगा ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ट्रस्ट का इस साल का बजट पास किया है जिसमें लगभग 23 करोड़ के आसपास खर्चा होने का अनुमानित बजट जो है पास किया है, जिसमें हम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनके ठहरने के लिए, टॉयलेट्स और रास्तों और सड़कों के निर्माण और उनकी रिपेयर के लिए जो है इसका खर्चा करेंगे ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा। अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2017-18 में मंदिर न्यास का कुल अनुमानित बजट करीब 72.94 करोड़ रखा गया है जिसमें से मंदिर के पास करीब 48.99 करोड़ रुपए सुरक्षित है, जबकि मंदिर न्यास को इस वर्ष में करीब 23.95 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे लगे सूखे हुए पेड़ कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। हाईवे होने के कारण रोज हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं। अगर तेज हवा चले तो यह पेड़ ऐसे झूलते हैं मानो अभी गिर पड़ेंगे।
रोज स्कूल जाने वाले छात्र भी इन पेड़ों के डर के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन करे भी तो क्या, मगर जाना तो मजबूरी है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे लगे सूखे हुए पेड़ कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। हाईवे होने के कारण हजारों वाहन रोज इस सड़क से गुजरते हैं। अगर तेज हवा चल जाए तो ये पेड़ इस तरह झूमते हैं जैसे मानो अभी गिर जाएंगे। लोग और स्कूली छात्र भी इन पेड़ों की दहशत में जीने को मजबूर हैं। पर करें भी तो क्या, रास्ता यही है। लोगों ने विभाग पर मामले में ध्यान न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने वन विभाग से जल्द पेड़ कटवाने की मांग की। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया यहाँ पे। इतने दिनों से ये पेड़ यहाँ पर ही है, नेशनल हाईवे साथ में है, स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, बाकी और बसें वाहन सारे यहीं से गुजरते हैं, निकलती हैं, गाड़ी निकलती हैं, नेशनल हाईवे ये कभी भी किसी भी टाइम ये गिर सकता है और किसी मासूम की जान ले सकता है। तो क्या आपकी क्या राय रहती है? राय मेरी यही है, एक्चुअली ये तो हटना चाहिए, यही नहीं और भी बहुत है। वही वन मंडलाधिकारी ने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। बने एसडीएम की को भी साथ लेके और एनएच वालों को साथ लेके, तो वो जो डेंजरस ट्रीज को आइडेंटिफाई करके उसके लिए फिर सरकार से परमिशन लेके, क्योंकि ग्रीन पेलिंग पे बैन है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है। विभाग ने कह तो दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब? लंबे समय से यही आलम है लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद विभाग किसी हादसे के इंतजार में है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाने की अपील की है। वह कल NIT हमीरपुर में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम आचार्य की पाठशाला में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में राजकीय तथा निजी स्कूलों के लगभग 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में 16 वर्ष की आयु में अनेक शारीरिक व मानसिक बदलाव आते हैं और एक ऐसी अवस्था होती है जब दिमाग से लिए गए निर्णय सफल होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से समर्पण, ईमानदारी, समझदारी व पूर्ण विवेक के साथ काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभिभावक और अध्यापक अपने बच्चों तथा शिष्यों के सही संरक्षक हैं और विद्यार्थियों को उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमीरपुर NIT परिसर में आचार्य की पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बच्चों को बेहतर जीवन जीने के टिप्स दिए। आचार्य ने बच्चों को जीवन से जुड़ी कई बेहतरीन बातें बताई। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को सिनेमा के बढ़ते प्रचलन से दूर रहकर दिल की बजाय दिमाग से काम लेने की सीख दी। राज्यपाल ने बच्चों से कई सवाल भी किए और जवाब न आने पर उन्हें बड़े प्यार से समझाया। और यहां से ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। और ध्यान करो प्यारे बच्चों, यहां के लिए गए निर्णय बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं और यहां का लिया गया निर्णय आपके भविष्य को उज्जवल और महानता की दिशा में ले जा सकता है। आचार्य देवव्रत ने बच्चों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी ग्रहण किया। इस अवसर पर ADC रूपाली ठाकुर, SP अजय सिंह बौद्ध, ASP डॉक्टर शिव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। नूरपुर के सुलियाली व आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक राकेश पठानी के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने लावारिस पशुओं से फसल को बचाने की गुहार लगाई है। यह जानकारी पूर्व विधायक राकेश पठानी ने दी। उन्होंने कहा कि लावारिस पशु किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने मांग की है कि कम से कम 50 पशुओं को क्षेत्र से बाहर भिजवा दिया जाए। 20 से 25 पशुओं को नूरपुर के गांव खजिया की गौशाला में रखने का प्रबंधन किया जाए। नूरपुर के SDM आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि यह समस्या एक या दो पंचायतों की नहीं है, यह समस्या पूरे उपमंडल की है। उन्होंने कहा कि लावारिस पशु किसानों की फसलों को तबाह करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। नूरपुर के गांव सुलियाली और आसपास के गांव वालों ने अपनी फसल को लावारिस पशुओं से बचाने के लिए SDM से गुहार लगाई है। ग्रामीणों के साथ BJP के पूर्व विधायक राकेश पठानिया ने नूरपुर के SDM आबिद हुसैन सादिक को ज्ञापन दिया और आग्रह किया कि जल्द से जल्द इन लावारिस पशुओं से किसानों की फसलों को बचाया जाए। कम से कम 100 डंगर में से नहीं तो 50 तो हम उनको एडजस्ट करवा दें तुरंत 5-7 दिन के अंदर। 50-60 डंगर हम यहाँ एडजस्ट कराएंगे। मैंने डी साहब से बात की है, 20-25 डंगर हम खजिए में भिजवा देंगे, तो कम से कम 60-70 डंगर भी जो साढ़े निकली आएंगे, काफ़ी बड़ा हमारा जो है वो प्रेशर जो है ईज हो जाएगा, बड़ा हमारा जो है वो कम हो जाएगा राय।
एसडीएम आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि ये समस्या एक दो पंचायतों की नहीं है बल्कि पूरे उपमंडल की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से लावारिस पशुओं के लिए नई गौशालाएं बनाई जा रही है और जो छोटी गौशालाएं हैं उन्हें बड़ा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वो अपने पशु खुले न छोड़े। मेरे गाँव वालों से भी ये निवेदन है कि वो जो है अपने पशुओं को सड़कों पर न छोड़े, स्पेशली इस टाइम पर जबकि फसलें जो है बनने के लिए जा रही है। वहीं एसडीएम के अनुसार बढ़ रहे लावारिस पशुओं के लिए जल्द ही डमटाल में 20 लाख की राशि से एक भव्य गौसदन खोला जाएगा जिसमें 300-400 लावारिस पशु रखे जा सकेंगे। इसके लिए डीसी से भी बात की गई है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा गौसदन होगा। पिछले 6 सालों से सौरवन बिहार की दशा बिल्कुल सही नहीं है, खस्ता हाल हो रहे हैं इस वन विहार की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, जो कि शहीद के लिए अपमान है। यहाँ पर बिजली की सुविधाएं भी नहीं है क्योंकि बिजली को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग के पास फंड की कमी है। देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 6 सालों से सौरव वन विहार में लगी ये लाइटें जगमगाने का इंतजार कर रही है, लेकिन आलम ये है कि बिजली की सुविधा सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग के पास फंड की कमी है, या यूं कहें कि फंड है ही नहीं। जानकारी के मुताबिक यहां पर जो व्यवस्था विभाग को करनी पड़ती है वो या तो शांता कुमार की दया पर निर्भर होती है या फिर पार्क की आमदन पर। दूसरी ओर शौचालय का भी यही हाल है। शौचालय का प्रयोग होगा या नहीं ये भी पैसों पर निर्भर करता है। उसमें उनको शौचालय का प्रयोग करना हो तो वो कहां जाएं? प्रदेश सरकार ने कभी भी सौरवन बिहार की तरफ नहीं देखा, ना इसको कोई आगे बढ़ाने के लिए या कोई आगे की सोच के प्रति इन्होंने नजरिया अपना दिखाया, तथा हमेशा ही इससे सौतेला व्यवहार जो प्रदेश सरकार ने किया। हालांकि जब इस बारे में एसडीएफ से पूछा गया तो उनके पास आश्वासन का बहाना देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। डीएफओ की माने तो जल्द ही व्यवस्थाओं को सुचारू कर दिया जाएगा, उनको रन किया जा सकता। और अब जो है हम एलईडी लाइट्स वहाँ पे लगाएंगे और अगले 1 अप्रैल के बाद जो है वो चालू कर दीजिए। पार्क की अनदेखी होते हुए करीब 6 साल बीत गए हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग अपने दिए हुए आश्वासन को वाकई पूरा कर पाएगा या फिर ये एक बार फिर बहाना बनकर रह जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि कुल्लू पुलिस ने कुल्लू जिला के धरोहर गांव से एक विदेशी नागरिक के कब्जे से गांजे की एक बड़ी खेप और हाशिश का नशीला तेल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम विशंबर है और यह कैलिफोर्निया का रहने वाला है और अक्टूबर 2016 से कुल्लू के नगर में किराए के मकान में रह रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किराए के मकान में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने इस विदेशी नागरिक के कमरे से प्लास्टिक के 10 बैगों में 126 किलो गांजे सहित एक कैन में 9 लीटर हशीश का नशीला तेल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए नशीले सामान की कुल कीमत 2,15,00,000 है और गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। कुल्लू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस कर्मियों से घिरे शख्स से करीब 126 किलो गांजा और 9 लीटर हशीश का तेल मिला है जिसकी कुल कीमत 2,15,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जब नगर में उसके घर की तलाशी ली तो बोरों में बंद गांजा बरामद हुआ और एक कैन में नशीला तेल रखा हुआ था। 125 किलो 926 ग्राम गांजा और इसके सिवा करीब 9 लीटर हशीश ऑयल और 1 किलो 296 ग्राम ये भी हशीश ऑयल, ये पर सॉलिड फॉर्म में था। कैलिफोर्निया के रहने वाले आरोपी के घर से पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर बरामद किया है। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रिक तराजू और 2 ड्रम भी बरामद किए हैं। वो यहाँ पर अक्टूबर 2016 से रह रहा था। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हशीश ऑयल ये तैयार कर रहा था या गांजा जो भी है, ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ये वृंदावन ले जाता रहा है, तो ये सब छानबीन का मामला है। ये सब हम छानबीन कर रहे हैं और फिलहाल हमने इसको अरेस्ट कर दिया है और मकान मालिक का क्या रोल है ये सब चीजें भी छानबीन की जाएगी। हालांकि आरोपी का दावा है कि वो इन सब का इस्तेमाल कैंसर की दवाई बनाने के लिए किया करता था और इसे वृंदावन ले जाता रहा है, लेकिन पुलिस को शक है कि पकड़े गए विदेशी के तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हो सकते हैं।
वक्त हो चला है हिमाचल एक्सप्रेस का, देखिए हिमाचल एक्सप्रेस। कैबिनेट ने मेडीपर्सन बिल के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। शिमला में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने बाबा रामदेव को झटका दिया है। साधु पुल में पतंजलि योगपीठ को जमीन लीज पर देने को मंजूरी नहीं दी गई है। सुंदरनगर के पास डेहर में एक स्कूल बस 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कुल 33 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। कुल्लू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक अमेरिकी नागरिक से करीब 126 किलो गांजा और 9 लीटर हशीश का तेल मिला है, जिसकी कुल कीमत 2,15,00,000 रुपए बताई जा रही है। ये विदेशी नगर में रह रहा था। देहरा में ब्यास नदी पर बने पुल से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। एक हफ्ते के अंदर इसी पुल से आत्महत्या की दूसरी घटना है। प्रदेश बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। धूमल ने खेल प्रकोष्ठ को पार्टी का प्रमुख अंग बताया और कहा कि अन्य मोर्चों की तरह खेल प्रकोष्ठ पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। हमीरपुर एनआईटी परिसर में आचार्य की पाठशाला का आयोजन हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बच्चों को बेहतर जीवन जीने के टिप्स दिए, साथ ही दिल की बजाय दिमाग की बात सुनने की नसीहत दी। मंडी में 4 लेन प्रभावितों ने विभाग की मनमर्जी के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए रोष रैली निकाली। प्रभावितों ने चेतावनी दी है कि वो शिवरात्रि महोत्सव के दौरान आखिरी बार सीएम से मिलेंगे। नूरपुर के गांव सुलियाली और आसपास के गांव वालों ने अपनी फसल को लावारिस पशुओं से बचाने के लिए एसडीएम से गुहार लगाई है। बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश पठानिया की अगुवाई से एसडीएम आबिद हुसैन सादिक को ज्ञापन सौंपा गया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सकोह स्मार्ट स्कूल के रूप में उभर रहा है। स्कूल ने 100% परिणाम के साथ ड्रेस कोड और वेबसाइट भी बनाई है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे लगे सूखे हुए पेड़ कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। लोगों ने विभाग पर मामले में ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए वन विभाग से जल्द पेड़ कटवाने की मांग की है। नौ स्टार हिमाचल लाइव पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए नौ स्टार हिमाचल लाइव के साथ।